हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPRVUNL में वैकेंसीज आई हुई हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट करके और व्हाट्सएप करके ये बताया है कि उनको फीस जमा करने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आ रही है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट तो हो गया है लेकिन अभी भी उनका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो वैकेंसीज हैं जो RVUNL में जो वैकेंसीज आई हैं, क्या ये वैकेंसीज कैंसिल हो सकती हैं, क्या ये रद्द हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और अभी तो आप लोग जानते ही हैं कि सब कुछ बंद चल रहा है। तो अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान हैं, जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है और वो ये सोच रहे हैं कि अब फॉर्म कैसे भरें क्योंकि सब कुछ तो बंद है, तो अब जा करके फॉर्म कैसे भरें। तो उनका ये भी पूछना है कि क्या ये जो वैकेंसीज हैं इनकी डेट आगे बढ़ सकती है। तो ये सब जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और UPRVUNL के सिलेबस और बुक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बताई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप ही लोगों के लिए लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जिन लोगों ने UPRVUNL का फॉर्म भर दिया है वो लाइव क्लासेस जरूर देखें। मंडे से सैटरडे क्लासेस चल रही हैं, सुबह 10 बजे और रात 8 बजे पावर सिस्टम शुरू हो गया है। पावर सिस्टम की कई क्लासेस हो गई हैं, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। सुबह आपकी पावर प्लांट की क्लास होती है, शाम में आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास होती है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख लें और वहां से आप अच्छी तैयारी करें क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, कुछ करने को नहीं है। तो आप लोग तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, काफी समय है आपके पास में तैयारी करने का, परेशान ना हो और तैयारी करते रहें। उसके अलावा UPRVUNL TG2 क्या करता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सब आपको बताया जा चुका है। इसकी वीडियोस भी अपलोडेड हैं तो आप जाके देख लीजिएगा और आपको इस संबंध में सारी जानकारी हो जाएगी। बात करें कि अगर ये जो वैकेंसीज हैं इसमें जो दिक्कत आ रही है उसका क्या हो सकता है, क्या ये फॉर्म जो है वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो देखिए जो फॉर्म में दिक्कत है वो काफ़ी समय से है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया था कि जो फॉर्म में फीस पेमेंट की दिक्कत है वो दूर हो गई है, उनका फीस पेमेंट भी हो गया है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि मेरा पेमेंट हो गया है और पेमेंट शुरू हो गया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग की बात भी सही हो और फिर से दिक्कत आने लगी हो। तो देखिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो डेट है ये बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन चांसेस पूरा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिलहाल सब कुछ बंद है और ये बात सभी को पता है कि सब चीज़ बंद है। जिस विभाग ने निकाला है ये भर्ती उस विभाग को भी पता है कि फिलहाल सब कुछ बंद है और जो छात्र हैं वो भी परेशान होंगे और वो वैकेंसीज का फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। तो पूरे चांसेस हैं कि ये जो आपकी फॉर्म की डेट है ये आगे बढ़ सकती है। और जहाँ तक रही बात की फॉर्म रद्द होने की, तो फॉर्म रद्द होने के चांसेस बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म कैंसिल होने वाला है, ये जो वैकेंसीज आई हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, बहुत कम चांसेस हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपका जो फीस पेमेंट है वो कब हुआ है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फीस पेमेंट तो कर दिया है लेकिन पेंडिंग फीस दिखा रहा है, वो भी कमेंट करके बताइए ताकि लोगों को मालूम हो सके कि फीस पेमेंट हो रहा है। और जो लोगों का पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है वो वेट कर लीजिए क्योंकि अब कुछ करने को कुछ करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो इनकी हेल्पलाइन है उस पर जो आप कॉन्टैक्ट करेंगे उस पर भी यही मैसेज आ रहा है कि जो हेल्पलाइन है उसको बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक वो हेल्पलाइन भी बंद है। तो आप सहायता प्राप्त करने के लिए जो हेल्पलाइन दी गई थी उस पर भी आप संपर्क नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रास्ता है कि आप प्रतीक्षा करें और जो होगा वो सबके साथ होगा और सभी को देखने को मिलेगा।